हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आज आपके लिए लाया हूँ। मैं डेटाबेस की सीरीज़ में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे हम बोलते हैं कि डेटाबेस यूज़र, और डेटाबेस यूज़र के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट टेयर्स क्या होती हैं और कितनी टेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रिसर्च एरिया बेस, और मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर। हेलो गाइस, अब आप देख रहे हो डेटाबेस यूज़र। डेटाबेस यूज़र में हम सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस यूज़र्स में कौन कौन होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है पहले, जिसे अपन बोलते हैं DBA। फिर आता है डेटाबेस डिज़ाइनर्स, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आते हैं इसमें, नेवी यूज़र्स, पैरामेटिक यूज़र्स आते हैं, सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स आते हैं, और कैजुअल यूज़र्स और टेम्प्रेरी यूज़र्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम बोलते हैं DBA। DBA वो पर्सन, DBA मतलब होता है कि वो पर्सन या वो टीम जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कहलाता है अपना DBA। DBA कोई लीडर भी हो सकता है ना डेटाबेस का, या फिर हम बोल सकते हैं सुपर यूजर हो सकता है ऑफ द सिस्टम का। DBA पूरे डेटा को मैनेज करने के लिए कोई पर्सन या कोई टीम हो सकती है, ये कहलाती है अपनी DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये सुपर यूजर्स भी हो सकता है, मतलब जो सब सारे यूजर्स पे सारे डेटा पे कंट्रोल कर सके। DBA रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3 लेवल ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस के 3 लेवल्स होते हैं उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डेटाबेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहला आता है डिसाइडिंग द इंस्टेंसेस ऑफ डेटाबेस। ये डिसाइड करता है कि क्या इंस्टेंसेस रहेंगे डेटाबेस के, या फिर डिफाइनिंग द स्कीमा, या फिर लाइजिंग विथ यूजर्स, कौन कौन जुड़ सकता है, कौन कौन लाइजिंग हो सकता है यूजर्स के साथ। डिफाइन सिक्योरिटी, DBA ही डिफाइन करता है सिक्योरिटी, जिससे हमारा डेटाबेस सिक्योर रह सके। बैकअप एंड रिकवरी भी DBA के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, क्योंकि डेटाबेस का DBMS का या DBMS का जो मॉनिटर करना उसके परफॉर्मेंस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है DBA के ऊपर। DBA के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास आता है डेटाबेस डिजाइनर्स। तो डेटाबेस डिजाइनर एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर द डेटाबेस के लिए बनाता है, मतलब ये डिज़ाइन करता है ऐसा स्ट्रक्चर डेटाबेस के लिए जिससे हम डेटा को शेयर कर पाएँ, ये डेटाबेस डिजाइनर कहलाते हैं। सिस्टम एनालिस्ट कौन होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूजर। सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है यूज़र की, नए यूज़र की, नेवी और पैरामेट यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं जो राइट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो हमारे डेटा वो भी डेटाबेस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है अपना नेवी यूजर्स या पैरामेटिक यूजर। नेवी यूजर्स बोलते हैं नए यूजर्स को, जो अनसोफेस्टिकेटेड यूजर्स भी कहलाते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता डेटाबेस का ना। जिस यूजर्स आज लाइक अ लाइमैन, ये यूजर्स कहलाते हैं लाइमैन की तरह होते हैं, जो लिटिल बिन नॉलेज होता है डेटाबेस का, मतलब इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो भी डेटाबेस यूजर्स कहलाते हैं। सोफेस्टिकेटेड यूजर्स कौन से कहलाते हैं, सोफेस्टिकेटेड यूजर कैन बी इंजीनियर, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, जो फेमिलियर होते हैं डेटाबेस के साथ, वो सोफेस्टिकेटेड यूजर्स कहलाते हैं। कैजुअल यूजर, टेम्प्रेरी यूजर्स कौन से होते हैं, कैजुअल यूजर्स और टेम्प्रेरी यूजर्स वे होते हैं जो सिर्फ लिटिल बिट टाइम, मतलब कुछ ही समय के लिए डेटाबेस का यूज करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ यूजर कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस को लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि ATM यूजर्स जो जाते हैं ATM मशीन के पास और अपना एक पिन देते हैं, मतलब वो डेटाबेस का यूज कर रहे हैं कुछ समय के लिए, ये कहलाते हैं अपने डेटाबेस यूजर्स। अब
अब बारी आती है डेटाबेस आर्किटेक्चर कौन होते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब हमारे डेटा का जो हमने डेटाबेस बनाया है उसका एक आर्किटेक्ट, उसका एक पूरा बैकग्राउंड, मतलब कैसे यूज़ करता है हमारी, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं डेटाबेस को, वो आर्किटेक्ट के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। डेटाबेस आर्किटेक्ट वर्क करता है तीन तरह से, 1 tier आर्किटेक्ट, 2 tier आर्किटेक्ट, 3 tier आर्किटेक्ट, ऐसे यूज़ करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्ट में 1 tier, 2 tier, 3 tier आर्किटेक्ट के हिसाब से वर्क करता है। डेटाबेस आर्किटेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे 2 tier आर्किटेक्ट और 3 tier, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, मतलब 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट, 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। जो 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट है वो विंडो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करते हैं, और जो 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट होता है वो वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, मीन्स इंटरनेट पे यूज होता है ना। 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट में एक क्लाइंट होता है ना, जो क्लाइंट होता है 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट में हमारे पास एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट भी एक तरह का कंप्यूटर्स होता है, क्लाइंट को भी हम एक तरह का कंप्यूटर्स बोलते हैं, जो क्या काम करता है, क्लाइंट भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट का काम करता है, जो क्लाइंट होते हैं वो भी एक कंप्यूटर है जो क्लाइंट का काम करते हैं। और इसमें एक ऐप क्लाइंट जो कंप्यूटर है उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होती है। 2 tier में एक क्लाइंट और एक डेटाबेस सर्वर भी होता है, जिसमें DBMS है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, ये बोल सकते हैं। मतलब एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 tier में एक क्लाइंट और एक डेटाबेस सर्वर होता है। क्लाइंट में एक एप्लीकेशन रन होती है जो करती है, जो सर्वर में DBMS सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें DBMS सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करता है, ये हम बोल सकते हैं। और एक तरह से और डेटाबेस जो सर्वर है वो भी एक तरह से कंप्यूटर है जो क्लाइंट को सर्व करता है। इन दोनों के बीच में एक लिंक बनता है ना, क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में एक लिंक बनता है। जो लिंक होता है वो किसके थ्रू होता है, डेटा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू, एक इंटरफेरेंस या फिर उसके थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। मतलब 2 tier में क्लाइंट और सर्वर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है एक ड्राइवर का यूज़ करते हैं, वे ड्राइवर कहलाता है ODBC ड्राइवर। ODBC ड्राइवर जो होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल होता है। ये ड्राइवर एज अ इंटरफेस का काम करता है, मतलब किसके बीच में, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। जब भी क्लाइंट एंड सर्वर में कम्युनिकेट होता है तो ODBC ड्राइवर के थ्रू ही होता है। ये ODBC ड्राइवर DBMS सॉफ्टवेयर के साथ आता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, है ना, एक डेटाबेस सर्वर होता है, इसमें बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। मतलब डेटाबेस सर्वर एक होता है 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट में, पर उनके जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सपोज हमारे पास एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन मतलब ये सारे यूजर्स हैं। एक हम कॉलेज लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम पे एक यूज़र काम कर रहा है, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे दूसरा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तीसरा एम्प्लॉय काम कर रहा है, और ये सारे जो क्लाइंट हैं ये किससे कनेक्ट है, डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट है। किसके थ्रू, ODBC के, ओपन डेस्क कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्टेड है। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं किससे, क्लाइंट डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है डेटाबेस सर्वर से, पर ये फास्टर कम्युनिकेशन करते हैं एज अ कंपेयर टू 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट के। जैसे कि 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट यूज किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए जो रन करता है उन्हें क्लाइंट साइड के थ्रू, और जो क्लाइंट आए डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है डेटाबेस से, और जो इंटरफेस जो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस करता है वो कहलाता है ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो प्रोवाइड करती है API जिससे अलाउ करता है क्लाइंट साइड प्रोग्राम कॉल करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ना। अब 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन के लिए। इसमें भी एक क्लाइंट कंप्यूटर्स होता है
ना, क्लाइंट कंप्यूटर और एक डेटाबेस सर्वर होता है जो सर्व करता है क्लाइंट को, पर इस एक और होता है इसमें वेब सर्वर। वेब सर्वर में एक एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर भी होता है। जो एप्लीकेशन सर्वर है वो बिजनेस, मतलब बिजनेस लॉजिक लगाकर वैलिडेशन, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, ये सारे बिजनेस लॉजिक लगाकर एप्लीकेशन सर्वर वर्क करता है। जो क्लाइंट होता है उसमें लोग काम करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है फेसबुक, इसमें एक फेसबुक हम खोलेंगे, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे सबसे पहले वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर ओपन करेगा फेसबुक, जो वेब सर्वर है वो ओपन करेगा फेसबुक, फिर क्लाइंट का वो फाइल नेम और पासवर्ड हमें इंटर करने को बोलेगा। जैसे ही हम इंटर करेंगे एप्लीकेशन सर्वर के पास हो जाएगी चीज़, एप्लीकेशन सर्वर सबसे पहले चेक करेगा उसका वैलिडेशन ना, उसका डेटा को चेक करेगा, उसके बाद जो चेक करने के बाद वो पहुंचा देगा DBMS के पास, वो चेक करके DBMS तो हमारा फेसबुक ओपन हो जाएगा। इस तरह से वर्क करता है थ्री टियर क्लाइंट सर्वर, मतलब आप जो टू टियर सीख गए होगा आपको क्लाइंट, थ्री टियर में कोई दिक्कत नहीं है। थ्री ट्रैक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट को हमने जो स्कूल बुक्स उसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें तीन लेयर्स और लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल से परसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल से ना, तो इस तरह से ये वर्क करता है। पर इसका जो सिंपल फॉर्म है वो इस तरह से ही है कि इससे आपको क्लाइंट सर्वर, वेब सर्वर, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो एक्सटर्नल लेवल से वो व्यू लेवल कहलाता है, जो कंप्यूटेशनल कंसेप्चुअल लेवल है वो लॉजिकल लेवल से, जहाँ पर लॉजिक लगा के जो एप्लीकेशन सर्वर है वो चेक करता है, और हमारा इंटरनल लेवल जो हमें दिखाई नहीं देता DBMS, वो इंटरनल लेवल कहलाता है। इसके बाद आता है वन टियर आर्किटेक्ट। वन टियर आर्किटेक्ट में हम सिंपल कोई से भी हमारा CPU है, जिसमें एक हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, डेटाबेस लेयर होती है, मतलब हम एक अगर अपना MS Word खोले तो सबसे पहले वो अपन से आपके फाइल नेम मांगेगा, आपका फाइल नेम मांगेगा, आप उसे ओपन करोगे तो वो डेटाबेस में जाके फाइल नेम चेक कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अब आपसे अलविदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।